टू द वर्ल्ड ऑफ जॉयफुल लर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों को शुभ प्रभात। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में ठीक होंगे। तो बच्चों, हिंदी की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम आज की क्लास प्रार्थना से शुरू करेंगे। कोई भी काम करने से पहले हम पहले गॉड को याद करते हैं ना, ईश्वर को याद करते हैं। सब अपने अपने हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करते हैं। ऐसी बुद्धि दो भगवान, ऐसी बुद्धि दो भगवान, बुरे भले की हो पहचान। ऐसी बुद्धि दो भगवान, बुरे भले की हो पहचान। दो हमको विद्या का दान, दो हमको विद्या का दान, जिससे बढ़े हमारा मान। दो हमको विद्या का दान, जिससे बढ़े हमारा मान। जो तुमको प्यारे लगते हैं, हम बन जाए वे इंसान। जो तुमको प्यारे लगते हैं, हम बन जाए वे इंसान। ऐसी बुद्धि दो भगवान, ऐसी बुद्धि दो भगवान, बुरे भले की हो पहचान। ऐसी बुद्धि दो भगवान, बुरे भले की हो पहचान। दो हमको विद्या का दान, दो हमको विद्या का दान, जिससे बढ़े हमारा मान। दो हमको विद्या का दान, दो हमको विद्या का दान, जिससे बढ़े हमारा मान। जो तुमको प्यारे लगते हैं, हम बन जाए वे इंसान। जो तुमको प्यारे लगते हैं, हम बन जाए वे इंसान। है ना बच्चों? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। हम मनुष्य तो हैं ही, लेकिन हम पढ़ लिख कर इंसान बन जाते हैं। हमको बुरे और भले की पहचान कर पाते हैं, है ना? तो इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे व्यंजन। त वर्ग का पहला अक्षर है त से तरबूज, जो कि गर्मियों के दिनों में ठंडा ठंडा खाने में बहुत आनंद आता है। त से तितली, जो कि बहुत सारे रंगों में पाई जाती है। त से तोता, त से तोता, जो कि हरे रंग का होता है, उसकी चोंच लाल रंग की होती है और वह इंसानों की नकल कर सकता है, वह हमारी तरह बात भी कर सकता है। त से तकिया, हम सर रख कर रात में सोते हैं। त से तबला, त से तबला, से तौलिया, त से तौलिया, जिसमें हम या पसीना पोंछते हैं, जिसको हम टॉवल कहते हैं, जिसको हम टॉवल कहते हैं। त से तालाब, तालाब को इंग्लिश में पॉन्ड भी कहते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे जीव जंतु जैसे कि सांप, मेंढक, छोटी छोटी मछलियां पाई जाती हैं, है ना? तो यह है व्यंजन त से बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं, है ना? तो बच्चों, व्यंजन त की कहानी सुनेंगे? हाँ। एक दिन तिलक ने अपने मित्र तन्मय को अपने घर लेकर गया। वहां पर मम्मी ने उनको तरबूज काट कर खिलाया। दोनों तरबूज खाकर तकिए में सर रखकर बहुत मस्ती किए। फिर तीनों, तन्मय, तिलक और मम्मी, तीनों घर से बाहर निकले। निकलते वक्त मम्मी ने घर को ताला भी लगाया। फिर तीनों बगीचे की तरफ चले गए। बगीचे में उन्होंने क्या देखा? बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है और पेड़ पर हरे हरे तोते बैठे हुए हैं, जो कि लोगों की नकल भी कर रहे हैं। घर वापस आते समय मम्मी ने दुकान से तौल कर सामान खरीदा।
तो यह हुई व्यंजन त की कहानी। अब बच्चों मैं आपको व्यंजन त लिखना सिखाऊंगी, तो चलिए देखिए। एक लंबी लकीर जिसको हम स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं, फिर एक स्लीपिंग लाइन और एक आधा कर्व, मिलकर बनता है त से तरबूज। ऊपर में छत लगाना मत भूलना। त से तरबूज, त से तकिया, त से तौलिया, त से तालाब। ऐसे ही त व्यंजन से आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। हम सबको फ्रूट्स बहुत पसंद है। फ्रूट्स को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता है? फल, फल। हम ज्यादातर फलों के नाम इंग्लिश में ही जानते हैं, तो आज मैं आपको कुछ फलों के नाम इंग्लिश में और हिंदी में बताना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं। अनार, इसको हम इंग्लिश में पोमग्रेनेट कहते हैं। आम, आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है और यह हमारा राष्ट्रीय फल भी है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैंगो। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो। यह है अमरूद, अमरूद जो कि हरे रंग का होता है परंतु पकने के बाद पीला हो जाता है, इसको हम कहते हैं गुआवा। इसको हम कहते हैं गुआवा। अंगूर, अंगूर यह गुच्छे में होता है जिसको हम ग्रेप्स कहते हैं, इसको हम ग्रेप्स कहते हैं। यह है सेब, इसको हम एप्पल कहते हैं। केला, इसको हम इंग्लिश में बनाना कहते हैं, बनाना। संतरा, इसको हम नारंगी भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं। यह है तरबूज, इंग्लिश में इसको हम वाटरमेलन कहते हैं। वाटरमेलन में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। नाशपाती, मैंने पेयर, यह है अनानास जिसको इंग्लिश में हम पाइनएप्पल कहते हैं। जो आप अपने घरों पर रहकर ही व्यंजन त वर्ग का पहला वर्ड त से तरबूज लिखेंगे और कम से कम 5 फलों के नाम हिंदी में और इंग्लिश में याद करेंगे, ठीक है? धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।